मुझे पता चला है कि नीला फिल्म्स के कुछ प्रोडक्शन वाले ऐसा बोल रहे हैं कि अरे कोई केस वेस नहीं जीती है जेनिफर, ये ऐसे कोई फालतू से वुमेन्स ग्रुप के पास गई थी, वहाँ पर ऐसा बोल दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि फालतू से वुमेन्स ग्रुप के पास आपके प्रोड्यूसर, इतने इंपॉर्टेंट, इतने बड़े प्रोड्यूसर, 2 बार हियरिंग के लिए चले गए, सब कुछ काम छोड़ के, स्क्रिप्ट रीडिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ छोड़ के 2 बार भी हियरिंग के लिए गए, कमाल यार, मानना पड़ेगा। एनीवेज, मैंने जैसे कहा था कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तो कल यानी कि 28 मार्च को मैं पुलिस स्टेशन होकर आई हूँ। पवई पुलिस स्टेशन में मैं सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र से मिली, उन्होंने कहा है कि उनका अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनको इसके इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, एंड ही विल लुक इन टू द मैटर एंड ये वो। मैंने कहा ओके ठीक है, एंड उन्होंने बस वो यही यही बोलते रहे कि अभी प्रेसिडेंट आ रही है, हमारे को बहुत काम है, प्रेसिडेंट आ रही है, वी आर लाइक सो बिजी इन दैट प्रेसिडेंट थिंग, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट, बहुत इंतजाम करना पड़ता है। मैंने कहा ओके ठीक है, आई एम गिविंग यू फ्यू डेज, एंड देन मैं 2 बार हीरानंदानी पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पर मैं भरत सूर्यवंशी ACP से मिली। मैंने उनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने ये जल्द से जल्द नहीं किया चार्जशीट का काम, तो मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता है कि मैं यहाँ पर जब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं तब मैं जाके वहाँ पर धरना लेके बैठ जाऊँ, आई डोंट नो वॉट कैन आई डू, मुझे भी नहीं मालूम। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।